कल चेपॉक में हो गया कमाल। सीएसके और केकेआर के बीच हुए मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद हर कोई चौंक गया। नौबत यहां तक आ गई कि केकेआर के स्टार ऑलराउंडर आंद्र रसल को अपने कानों को हाथ से बंद करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, इसकी क्या वजह रही होगी। बहरहाल कल केकेआर और सीएसके के बीच हुए मैच में सीएसके ने केकेआर का विजय रथ थाम दिया। कल सीएसके ने केकेआर पर 7 रन से एक बड़ी जीत हासिल करी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए, जिस लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके ने मात्र 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सीएसके की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ 67 रन की पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर रहे केकेआर के कप्तान सुरेश अय्यर, जिन्होंने मात्र 34 रन का योगदान दिया। केकेआर की शुरुआत खराब रही और पहली ही बॉल पर सॉल्ट का विकेट गिर गया, जिसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप सुनील नारायण और अंग क्रिश के बीच पनपी, लेकिन उसके बाद मानो विकेटों की झड़ी लग गई, जिसके बाद केकेआर 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 137 रन बनाने में कामयाब रहा। बहरहाल ये तो बात रही मैच के स्टैट्स की, पर मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब चौंक गए। हुआ यूं, जब सीएसके का 3रा विकेट गिरा तो 4 मैचों के बाद सीएसके के फैंस को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया। कल सीएसके के फैंस को एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा मिल गया। 6ठे या 7वें नंबर पर बैटिंग करने उतरने वाले महेंद्र सिंह धोनी कल 4थे नंबर पर रविंद्र जडेजा और रिजवी से पहले आ गए। हालांकि रन तो ज्यादा नहीं चाहिए थे, पर फैंस में थाला की दीवानगी और जुनून कुछ इस तरह का है कि स्टेडियम में धोनी धोनी के उद्घोष ने पूरे ग्राउंड को गुंजा दिया। हालात यहां तक आ गए कि बाउंड्री लाइन पर खड़े केकेआर के स्टार ऑलराउंडर आंद्र रसल को शोर के कारण अपने कानों को बंद करना पड़ा। आंद्र रसल के मुंह से भी निकल गया, वाह धोनी। ऐसी दीवानगी शायद ही पहले किसी की देखी गई। थाला का अपना जलवा है और जब मैच होम ग्राउंड पर हो तो कहने ही क्या। फिलहाल धोनी की बैटिंग तो ज्यादा लंबी नहीं रही, उन्होंने 1 रन का योगदान दिया। फैंस उम्मीद लगाकर बैठे थे कि धोनी अपने स्टाइल में मैच छक्का या चौका लगाकर खत्म करेंगे, पर धोनी की वही दरिया दी। धोनी ने नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया और उन्हें मैच खत्म करने के लिए आगे आने को कहा। आखिरी बॉल पर ऋतुराज ने मैच खत्म किया और सीएसके के पाले में जीत डाल दी। ये 5 मैचों में सीएसके की 3री जीत और 2 हार के बाद सीएसके के पाले में जीत आई। वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर का विजय रथ अब जाकर कहीं थमा है। केकेआर 4 मैच में से 3 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई। आगे की मैचों की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइए क्या महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों में कुछ कमी आई है, या धोनी के प्रशंसक आज भी वैसे ही उनके साथ खड़े हैं जैसे वो जब भारत की टीम से खेला करते थे तब उनके साथ खड़े रहते थे। धन्यवाद।